नमस्कार दोस्तों, हरियाणा में जो बेरोजगार युवा हैं, जो लड़के लड़कियां छात्र छात्रा हैं, जिनकी एज 35 वर्ष से कम है और अनएम्प्लॉय है, उनको प्राइवेट में या सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं भी जॉब नहीं मिली हुई है, वो HREX पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करके एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करके भत्ता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप 12वीं बेस पे आवेदन कर रहे हो तो आपको 900 रुपये भत्ता मिलेगा, अगर आप ग्रेजुएशन बेस पे आवेदन कर रहे हो तो आपको 1500 रुपये भत्ता मिलेगा, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन बेस पे आवेदन कर रहे हो तो आपको 3000 रुपये भत्ते के रूप में दिए जाते हैं। इसके बाद आप सक्षम युवा में रजिस्ट्रेशन करके आपको काम भी मिल सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन में आप कैसे आवेदन करोगे, ऑनलाइन आवेदन होता है इसके लिए, तो ऑनलाइन मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। ये वीडियो वॉच करके आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने से पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं। तो इसके लिए फैमिली आईडी आपको लगानी है, परिवार पहचान पत्र आपको साथ में संलग्न करना होता है, परिवार पहचान पत्र के आधार पर ही आपको एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन करना होता है। इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड लगाना है, और आपको 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी क्लास की डीएमसी आपको साथ में संलग्न करनी होती है, ऑनलाइन अटैच करना होता है, एक आपको फोटो लगानी है और आपको सिग्नेचर अपलोड करना होता है। इसके साथ साथ आपको राशन कार्ड और आपका हरियाणा डोमिसाइल जाति प्रमाण पत्र साथ में अटैच करना होता है, साथ में आपको बैंक अकाउंट है उसकी पासबुक आपको साथ में लगानी होती है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिए, आप प्रिंट आउट निकालिए, प्रिंट आउट आपको फाइल में लगाना है, और साथ में ये सभी डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ टेस्टेड करके और फाइल में अटैच कर देने हैं, और ये फाइल आपको कार्यालय में जाके जमा करवा देनी है। आपको इसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें, इस जानकारी के लिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन पे। ऑनलाइन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है HREX.gov.in, ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है, ये साइट आपको विजिट करना है। साइट विजिट करने के बाद इस तरह से आपको होम पेज दिखाई देगा। अभी जो आप देख रहे हो डिस्प्ले, ये होम पेज है। यहाँ पे आपको राइट साइड में ऊपर दिखाई दे रहा है अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करना है आपको। अगर आपके पास अकाउंट है तो साइन इन करके और आपको लॉगिन कर लेना है। सबसे पहले आपको अकाउंट यूजर आईडी पासवर्ड बनाने के लिए रजिस्टर करना होता है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है जॉब सीकर और साइन अप पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी करके और मोबाइल नंबर है वो वेरीफाइड कर लेना है। तो इस कॉलम में मैं मोबाइल नंबर फिल कर देता हूँ। इसके बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी मैसेज आएगा, मैसेज आपको इस कॉलम में फिल करना है और वेरीफाई कर देना है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाने के बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। सबसे पहले आपको ऊपर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आपका जो नाम है नाम फिल कर देना है। आपकी जो स्कूल की डीएमसी में नाम है वो नाम आप यहाँ पे फिल कर दीजिए। नाम फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे ईमेल आईडी आपकी फिल कर देनी है इस कॉलम में। इसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड जनरेट करना होता है, तो यहाँ पे आपको अपना जो पासवर्ड है वो पासवर्ड यहाँ पे जनरेट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको कन्फर्म पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बनाया है वो एक बार फिर से री एंटर करना है यहाँ पे, और पासवर्ड को कन्फर्म कर दीजिए। इसके बाद जो कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है, ये कैप्चा आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और साइन अप पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से मैसेज आएगा, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज चेक योर ईमेल फॉर एक्टिवेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। इसको वेरीफाइड करने के लिए हमने जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करवाई है उस पे एक वेरिफिकेशन लिंक होता है, वहां जाकर के आपको क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूं, जैसे आप अपनी ईमेल आईडी देखोगे तो आपको यहां पे इस तरह की ईमेल मिलेगी जो अभी आप देख रहे हो, support-hrex.emp। यहाँ पे इस ईमेल को ओपन करके देखते हैं, तो यहाँ देखिए डियर, और यहाँ पे आपको नाम वगैरह, और यहाँ पे मिलेगा अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, प्लीज क्लिक ऑन द यूआरएल बिलो एक्टिवेट इट। तो यहाँ पे इस लिंक पे क्लिक करके और एक्टिवेट कर लेना है। तो इस प्रकार से मेरा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। एक्टिवेट कर देने के बाद आपको इस तरह का मैसेज मिलेगा, योर यूजर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड, काइंडली यूज ईमेल आईडी एज यूजर नेम टू साइन इन ऑन द पोर्टल, प्लीज साइन इन। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, साइन इन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह से विंडो ओपन होगी लॉगिन करने के लिए। तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है यूजर नेम, यहाँ पे आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो यूजर नेम होता है वो आपको इस कॉलम में फिल कर देनी है, और यहाँ आप देख रहे हो पासवर्ड, तो यहाँ पे नीचे आपको पासवर्ड फिल कर देना है, जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है वो पासवर्ड यहाँ पे फिल कर दीजिए, और ये जो कैप्चा देख रहे हो ये कैप्चा इस कॉलम में फिल करके साइन इन करके लॉगिन कर लीजिए। अकाउंट पे साइन इन हो जाने के बाद आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा, यहाँ आप देख रहे हो होम और यहाँ पे प्रोफाइल आप देख रहे हो, यहाँ पे आपका नाम वगैरह यहाँ पे दिखाई देगा। तो आपको अभी ये प्रोफाइल है वो कंप्लीट करनी है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हो प्रोफाइल, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और इस प्रोफाइल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपकी फैमिली आईडी की जरूरत होगी, आपको यहाँ पे क्लिक करना है रेजिडेंट,
डोमिसाइल हरियाणा, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ आप देख रहे हो आई हैव फैमिली आईडी, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए आई फॉरगॉट माय फैमिली आईडी और आई डोंट हैव फैमिली आईडी। अगर आपके पास फैमिली आईडी नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करके और आपको फैमिली आईडी बना लेनी है, या आपको आपकी फैमिली आईडी भूल गए तो यहाँ से आप फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हो। अगर आपके पास फैमिली आईडी तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है आई हैव फैमिली आईडी, और यहाँ पे इस कॉलम में आपको फैमिली आईडी फिल कर देनी है, जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे फैमिली आईडी फिल कर दीजिए, और यहाँ पे नीचे क्लिक हेयर टू फेस फैमिली डाटा पे क्लिक कर दीजिए। फैमिली आईडी फिल कर देने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर टू फेस फैमिली डाटा पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको यहाँ से मेंबर चूज करना होता है, आपकी फैमिली में जितने मेंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको मेंबर चूज करना है, जिस मेंबर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो मेंबर का नाम यहाँ से चूज कर लीजिए और सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपकी फैमिली आईडी में जो रजिस्टर्ड नंबर है उस पर एक ओटीपी मैसेज आएगा, वो मैसेज आपको इस कॉलम में फिल कर देना है और क्लिक हेयर टू वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाइड हो जाने के बाद हमारी डिटेल है वो हमारी फैमिली आईडी से ऑटोमेटिक यहाँ पे उठा ली जाती है, और काफ़ी सारी डिटेल है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती है। जैसे यहाँ देख रहे हो आप, नाम है और उसके बाद फादर नेम, मदर नेम और बाकी की जो डिटेल है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, काफ़ी सारी डिटेल यहाँ पे ऑटो फिल हो जाती है। कुछ डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होती है, जैसे इस कॉलम में आपको आधार नंबर फिल कर देना है। यहाँ पे आप देख रहे हो पर्सनल टाइटल, तो यहाँ पे आपको मिस्टर या जो भी आपका टाइटल है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको आधार नंबर फिल कर देना है। और बाकी की जो डिटेल जहाँ पे फिल नहीं है वो मैं आपको वन बाई वन करके बता देता हूँ, वो आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पे इस कॉलम में आधार नंबर है, आधार नंबर मैं फिल कर देता हूं। और इसके बाद आप यहां पे देखोगे अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको देना है तो यहां से दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर आप यहां पे दे सकते हो। बाकी आपका जो मोबाइल नंबर आपकी फैमिली आईडी में वो यहां पे आपको दिखाई देगा। इसके बाद आपको यहां पे आपका रिलीजन आपको सेलेक्ट करना है कि आपका रिलीजन क्या है, आप हिंदू हो या फिर आप क्रिश्चियन हो, सिख हो, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर डालना है, यहाँ पे इशूड बाय में यहाँ पे किसके द्वारा इशू किया गया है और इशू तारीख यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। तो इस प्रकार से आपको आपकी जो सर्टिफिकेट की डिटेल है, आपके कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ पे फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर है उसके आपको बॉटम में ये जानकारी मिल जाएगी, बॉटम में आपको लेफ्ट साइड में है वो कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मिल जाएगा। और ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया है वो डिटेल यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और कितनी तारीख को सर्टिफिकेट आपका बना है वो यहाँ पे आपको मेंशन कर देना है। सारी डिटेल फिल कर देने के बाद एक बार आपको चेक कर लेना है, अगर आपकी सारी डिटेल सही है तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट कर देने के बाद आपके सामने कम्युनिकेशन डिटेल होगी, आपकी कम्युनिकेशन की डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, आपका एड्रेस वगैरह, आपका विलेज, आप ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी होती है। सबसे पहले यहाँ पे आपको एरिया सेलेक्ट करना है, आप रूरल एरिया से हो या अर्बन से हो। अगर आप गाँव के रहने वाले हो तो रूरल सेलेक्ट कीजिए, अगर शहर के रहने वाले हो तो आपको अर्बन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको तहसील है वो तहसील आपको सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे आपको आपका गांव है, गांव सेलेक्ट कर लेना है। आपका गांव कौन सा है, गांव का नाम यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे आपको आपका पिन कोड है वो पिन कोड आपको मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको आपका पूरा एड्रेस है वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। डिटेल फिल कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, और यहाँ आपको दिखाई दे रहा है सेम एज परमानेंट। अगर आपका एड्रेस, करंट एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पे ओके कर दीजिए, और ये जो कॉलम है वो सारे ऑटो फिल हो जाएंगे। पूरी डिटेल अगर आपने सही फिल कर दी है तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। एड्रेस फिल कर देने के बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपकी फिल करनी होती है। तीसरे स्टेप पे आपको क्वालिफिकेशन आपकी डालनी है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे एड रिकॉर्ड यहाँ पे क्लिक करके, और वन बाई वन करके आपको 10वीं क्लास, 12वीं क्लास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जितनी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ से आपको वन बाई वन करके डिटेल है वो फिल कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ देख रहे हैं लेवल वन, तो यहाँ पे आपको 10th क्लास की डिटेल फिल कर देनी है सबसे पहले 10th की, और यहाँ पे आपको कोर्स सेलेक्ट कर लेना है। स्पेशलाइजेशन में आपको यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना है 10वीं क्लास के लिए। अगर 12वीं में है तो आर्ट वगैरह या आप किसी कॉमर्स से कर रहे हो वो आपको सेलेक्ट करना होता है। 10th में यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे आपको बोर्ड का नाम है, बोर्ड का नाम आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया, और 10वीं क्लास कब उत्तीर्ण की है वो तारीख यहाँ पे मेंशन करनी होती है। तो मैंने यहाँ पे आपकी जो डीएमसी है उसमें बॉटम में आपको लेफ्ट साइड में ये जो आपकी जो तारीख है वो मिल जाएगी, आपने कब कौन से ईयर में आपने कंप्लीट की है वो जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ईयर का ईयर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, और यहाँ पे आपको रोल नंबर है वो रोल नंबर मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको परसेंटेज मेंशन कर देना है, ग्रेड आपकी परसेंटेज है वो
यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स और यहाँ पे आपने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं और यहाँ पे परसेंटेज वगैरह ऑटोफिल हो जाएगी और यहाँ पे आपको सब्जेक्ट फिल करने हैं। तो सबसे पहले मैं रोल नंबर यहाँ पे डाल देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितने नंबर का पेपर था, तो यहाँ पे ये टोटल मार्क्स आ गए। उसके बाद यहाँ पे ऑब्टेंड मार्क यानी कि कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, और यहाँ पे ऑटोमेटिक 58.80 आप देख रहे हो यहाँ पे परसेंटेज आ जाती है। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट आपको फिल करने होते हैं, जितने सब्जेक्ट आपकी जैसे टेंथ क्लास की डिटेल डाल रहे हैं तो टेंथ क्लास में जितने सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे वन बाई वन करके आपको सेलेक्ट कर लेना है। हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, उसके बाद यहाँ पे मैथमेटिक्स, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं आप अपने सब्जेक्ट यहाँ पे वन बाई वन करके सारे सब्जेक्ट फिल कर दीजिए। सारे सब्जेक्ट फिल कर देने के बाद आपकी डीएमसी से ये डिटेल देख के फिल करनी है। डीएमसी में जो सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं। कंप्लीट डिटेल फिल कर देने के बाद ऐड पे क्लिक करके और इसको ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने टेंथ क्लास की डिटेल है वो ऐड कर दी है। आप यहाँ पे क्लिक करके जो यहाँ पे पेंसिल का आइकन दिखाई दे रहा है यहाँ क्लिक करके डिटेल को एडिट कर सकते हो। अगर डिटेल सही नहीं है तो इसको डिलीट कर सकते हो और दोबारा से डिटेल है वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरी डिटेल ओके है, तो मैं यहाँ पे 12वीं क्लास की डिटेल और फिल कर देता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है ऐड रिकॉर्ड पे और यहाँ पे मेरे को 12वीं क्लास की डिटेल है वो फिल कर देना है। तो सबसे पहले मैं 12th यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिया 12th, और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में मैंने आर्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी में मैंने बोर्ड स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड से मैंने की हुई है तो मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे पासिंग ईयर डालनी है कि 12वीं क्लास कब उत्तीर्ण की है। तो जैसे मैंने आपको बताया आपकी 12वीं क्लास के डीएमसी में आपको बॉटम में लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर मिल जाएगी तारीख, तो मैं यहाँ पे अपनी जो तारीख है उत्तीर्ण करने की वो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, डीएमसी आने की तारीख। और यहाँ पे रोल नंबर आपको फिल कर देना है इस कॉलम में। ये सारी जानकारी है वो आपको सही सही फिल करनी है। अगर आप सारी जानकारी सही फिल करोगे तो आगे चल के आपको किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन वगैरह फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर आप एम्प्लॉयमेंट की पूरी जानकारी चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना आपको। इसके बाद यहाँ पे आपको परसेंटेज सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको टोटल मार्क्स हैं वो मार्क्स यहाँ पे मेंशन करने हैं, और यहाँ पे आपने ऑब्टेंड मार्क कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं वो यहाँ पे लिखिए। परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी और यहाँ पे आपको वन बाय वन करके सब्जेक्ट है वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे मैंने सारे सब्जेक्ट हैं वो वन बाय वन करके सभी सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। ऊपर मैंने कंप्लीट डिटेल फिल कर दी है। आप डिटेल फिल करने के बाद रोल नंबर वगैरह और आपकी परसेंटेज वगैरह एक बार रीचेक जरूर कर लीजिए। सारी डिटेल अगर ओके है तो ऐड कर दीजिए। इस प्रकार से मैंने 10th क्लास और 12th क्लास की डिटेल है वो ऐड कर दी है। अगर आपको आगे डिटेल और ऐड करना है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल ऐड करना है, तो आपको ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करके और डिटेल है वो ऐड कर देना है। अगर आपकी सारी डिटेल आपने ऐड कर दी है तो आप इसको स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ देखोगे स्किल रिक्वायर्ड, अगर आपके पास कोई स्किल है तो यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। अगर स्किल नहीं है तो इसको आप खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देखोगे कोई अदर स्किल वगैरह है तो आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, नहीं तो इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू हो जाने के बाद आपको इस तरह से मैसेज मिलता है सेव्ड सक्सेसफुली, तो हमारी डिटेल है वो सेव हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई डिपार्टमेंट में काम करने का एक्सपीरियंस है तो यहाँ ऐड एक्सपीरियंस पे क्लिक करके और अपना एक्सपीरियंस है वो फिल कर दीजिए। तो अभी मेरे पास यहाँ पे कंप्यूटर का काम करने का एक्सपीरियंस है डाटा एंट्री का, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो एम्प्लॉयर, तो यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है, आपने किस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, तो आपको यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल देना है। यहाँ पे आपको डेजिग्नेशन डालना है, क्या काम किया आपने यहाँ पे, तो वो डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे फिल कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर डाल दिया। तारीख यहाँ पे आपको मेंशन करना है, कौन सी तारीख से लेकर के कौन सी तारीख तक आपने काम किया है, तो वो डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको जब आपने काम छोड़ा था उस कंपनी से तो वो तारीख आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। यहाँ पे रीजन डालना है कि आपने काम क्यों छोड़ा था, वो रीजन आपको देना है, और लास्ट सैलरी आपकी कितनी थी, मंथली सैलरी कितनी थी वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, और यहाँ पे आपको कितने महीने आपने काम किया वो ऑटोमेटिक फिल हो जाता है। तो यहाँ पे आपको जॉब सेक्टर आपको फिल कर देना है, जैसे आप प्राइवेट गवर्नमेंट कौन से सेक्टर में काम कर रहे हो तो यहाँ पे आपको चूज कर लेना है। सारी डिटेल फिल कर देने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है और ऐड कर देना है। एक्सपीरियंस की डिटेल आपको तब भी फिल करनी है अगर आपके पास किसी डिपार्टमेंट में किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है, चाहे वो प्राइवेट ही ऑर्गेनाइजेशन है या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करा हुआ है, अगर आपने वहाँ पे काम किया हो, आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, 6 महीने का, जितना भी एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस लेटर है आपके पास, तो आप इस डिटेल को फिल कीजिए और आप इसको फिल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं है
तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप इसको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं होगा तो आपको आगे चल करके इसका फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस लेटर है तो ही आप एक्सपीरियंस वाली डिटेल है वो फिल कर दीजिए। एक्सपीरियंस डिटेल ऐड कर देने के बाद आपको यहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स दिखाई देता है, तो यहाँ पे आपको हाइट, वेट और आपका ब्लड ग्रुप वगैरह ये सारी जानकारी आपको मेंशन करनी होती है। ये सारी जानकारी आप फिल कर दीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे आपको जॉब प्रेफरेंस वगैरह यहाँ पे ऐड करनी हो तो सबसे पहले यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन करना है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड सैलरी मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे वर्क लोकेशन है कि आप जिले में काम करना चाहते हो या विद इन स्टेट या विद इन कंट्री काम करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, अपनी जानकारी के अनुसार यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस आप देख रहे हो तो यहाँ पे आपको जॉब की प्रेफरेंस आपको देना है, तो यहाँ पे आप कोई भी जॉब प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर मैंने यहाँ पे कोपा सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अब इसको स्क्रॉल कीजिए, पेज को स्क्रॉल करने के बाद आप देखोगे विद इन विलिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब, इसको यस कर दीजिए। इन सभी कॉलम को आपको यस कर देना है। यहाँ पे ये यह दिया गया है वेदर विलिंग फॉर पार्ट टाइम डीसी रेट डेली वेज लेस देन 6 मंथ जॉब, तो क्या आप पार्ट टाइम या डीसी रेट या डेली वेज पे काम करना चाहते हो 6 महीने से कम, तो आप इसको यस कर दीजिए। वेदर विलिंग इन लोन फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कोई अपना व्यवसाय चालू करने के लिए लोन की जरूरत है तो इसको यस कर दीजिए। इन सभी कॉलम को आप यस कर दीजिए। इसके बाद वेदर विलिंग फॉर प्राइवेट जॉब, क्या आप प्राइवेट जॉब के लिए इच्छुक हो तो यहाँ पे यस कर दीजिए। वेदर विलिंग फॉर स्किल ट्रेनिंग, क्या आप स्किल की ट्रेनिंग के लिए इच्छुक हो तो आप इसको यस कर दीजिए। इन सभी को यस कर दीजिए। इसके बाद सारी डिटेल है वो चेक कर लीजिए और अगर सारी डिटेल ओके तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ देखोगे आप तो यहाँ पे आपको आपकी फोटो और आपकी डिटेल है वो फिल कर देनी है। फोटो का साइज आप यहाँ देख रहे हो 20 KB से अधिक होना चाहिए और 100 KB से कम होना चाहिए, यानी कि फोटो है 20 KB से लेकर के 100 KB के बीच होनी चाहिए। यहाँ पे आपकी फोटो अटैच कर देनी है। फोटो अटैच कर देने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए। इसके बाद यहाँ देखोगे आप लैंग्वेज नाउन, तो यहाँ पे आपको लैंग्वेज की डिटेल है वो डालनी है, आप कौन कौन सी भाषा जानते हो, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए हिंदी। इसके बाद आप यहाँ पे रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद इस प्लस के आइकन पे क्लिक करके और दूसरी भाषा है अगर आपके पास जानकारी है तो वो डाल दीजिए, जैसे इंग्लिश, इंग्लिश को रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्पीक कर सकते हो, यहाँ पे डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पे पंजाबी, अगर आपको पंजाबी आती है तो यहाँ पे रीड, राइट, स्पीक, अगर आपको बोलना आता है, लिखना आता है और आपको पढ़ना आता है तो यहाँ पे आप टिक कर दीजिए। इसके बाद और लैंग्वेज भी आप ऐड कर सकते हो, प्लस के आइकन पे क्लिक करके और लैंग्वेज ऐड कर सकते हो। जिन भाषाओं की आपको जानकारी है वो यहाँ पे वन बाय वन करके डिटेल है वो फिल कर दीजिए। डिटेल फिल कर देने के बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव कर देने के बाद यहाँ पे एक बार आपके सामने जितनी भी डिटेल आपने फिल की है वो पूरी जानकारी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। प्रीव्यू यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ देख रहे हो एजुकेशन डिटेल, यहाँ से आप चेक कर लीजिए आपकी एजुकेशन डिटेल है वो सारी सही है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल आपने जो फिल की थी, यहाँ पे फिजिकल एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे जॉब प्रेफरेंस, आपकी यहाँ पे कंप्लीट जानकारी है वो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए, अगर सारी जानकारी सही है तो यहाँ पे आप पेज को स्क्रॉल डाउन कीजिए, जानकारी चेक कर लीजिए और आप डिक्लेरेशन पे क्लिक कर दीजिए और सबमिट कर दीजिए। फाइनल सबमिट पे क्लिक करके सबमिट कर दीजिए। सबमिट कर देने के बाद आपको इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आर यू श्योर, आप इसको ओके कर दीजिए। इस प्रकार से हमारी जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है। यहाँ आप देख रहे हो एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो हमारी जो फाइल है वो सबमिट हो चुकी है। आपको इस तरह से प्रिंट मिलेगा, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए या इसको आप प्रिंट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से आप डाउनलोड एज PDF पे क्लिक करके और इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा, योर एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली, इस प्रिंट पे क्लिक करके और इसको प्रिंट कर लीजिए। तो इस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको एक फाइल तैयार करनी है। फाइल में आपको आपकी जितनी भी DMC है, 10वीं क्लास की, 12वीं क्लास की, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जिस बेस पे आप आवेदन कर रहे हो सभी DMC की फोटोस्टेट आपको लगानी है। इसके साथ साथ आपने जो फॉर्म प्रिंट किया था ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद, जो फॉर्म फाइनल प्रिंट जो किया था वो प्रिंट आपको साथ में लगा देना है। हरियाणा डोमिसाइल लगा देना है, जाति प्रमाण पत्र साथ में संलग्न कर देना है। इसके अलावा आपको परिवार पहचान पत्र, बैंक अकाउंट, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में संलग्न करने हैं। एक आपको फोटो लगा देनी है। ये सभी डॉक्यूमेंट आपको फाइल में संलग्न करने हैं, प्रिंट आपको फाइल में लगाना है और
और आपको एम्प्लॉयमेंट कार्यालय में जाकर के फाइल सबमिट करवा देनी है। आपका ऑनलाइन आवेदन करने के बाद एक वीक में आप फाइल है वो कार्यालय में जाकर सबमिट करवा दीजिए। कार्यालय में आपका ऑनलाइन अकाउंट है वो चेक किया जाएगा। अगर ऑनलाइन अकाउंट आपका सही है, सारे डॉक्यूमेंट वगैरह और ऑनलाइन आवेदन है, सारी डिटेल आपकी मैच करती है, तो आपका फॉर्म है वो अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। अप्रूव्ड हो जाने के बाद आप सक्षम युवा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सक्षम युवा में रजिस्ट्रेशन करके आपका भत्ता वगैरह है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि मैंने स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको बताई है और आप जानकारी अब समझ में आ गई होगी। अगर कोई और जानकारी चाहिए आप मेरे को कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या फिर एम्प्लॉयमेंट भत्ते के बारे में जानकारी चाहते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।